आज अवसर है गोधन न्याय योजना का राशि वितरण का, और इस कार्यक्रम में उपस्थित कृषि मंत्री आदरणीय ताम्रध्वज साहू जी, भाई प्रदीप जी, एसीएस सुब्रत जी, एपीसी कमलप्रीत जी, अयाज जी और सभी अधिकारीगण, उपस्थित सबो किसान भाई बहनी मल्ला, जय जोहार। गोधन न्याय योजना को शुरू हुए 3 साल हो गए। 20 जुलाई 2020 को इसकी शुरुआत हम लोगों ने की थी, हरेली त्योहार के दिन, और इसी दिन गोबर खरीदी की शुरुआत हुई। तब से लेकर अब तक के राज्य में गोबर खरीदी लगातार जारी है। 3 वर्षों में इस योजना में ने जो सफलता अर्जित की है वह अद्वितीय है। न केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि पूरे देश में इस योजना को सराहा गया है। देश के अनेक राज्यों ने हमारा अनुसरण करके अपने यहां भी इस तरह की योजनाएं लागू कर रहे हैं। गोधन न्याय योजना से हम गोबर खरीद कर न केवल वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं, बल्कि गोबर से बिजली उत्पादन करने, प्राकृतिक पेंट बनाने, तरह तरह की सामग्री बनाने का काम भी हम कर रहे हैं। इस योजना के माध्यम से एक साथ बहुत से बड़े लक्ष्यों को सफलता के साथ साधा गया है। इन्हीं में से एक लक्ष्य महिला सशक्तिकरण का भी है। गोधन न्याय योजना ने स्व सहायता समूहों की हमारी बहनों को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने का एक बड़ा अवसर दिया है। वे लगातार सफलता के नए कीर्तिमान रच रहे हैं। गोबर विक्रेताओं और गोठान समितियों ने भी इस योजना के माध्यम से अच्छी आय अर्जित की है। किसान भाइयों में पशुपालन को लेकर रुचि बढ़ी है। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से गोधन न्याय योजना के अंतर्गत गोबर विक्रेताओं, स्व सहायता समूहों, गौठान समितियों को कुल 15,29,00,000 रुपए का भुगतान किया जा रहा है। आज भुगतान की जा रही राशि में गोबर विक्रेताओं को 73वीं किस्त के रूप में 5,60,00,000 रुपए अंतरित किए गए। स्व सहायता समूह को लाभांश के रूप में 3,99,00,000 रुपये तथा गौठान समितियों को 5,70,00,000 रुपये का भुगतान किया जा रहा है। गोधन न्याय योजना शुरू होने से लेकर आज तक सभी लाभार्थियों को सब मिलाकर 541,29,00,000 रुपये का भुगतान किया जा चुका है। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि राज्य में कुल निर्मित 10,278 गौठानों में से 5,985 गौठान अब स्वावलंबी हो चुके हैं। गौठानों में गोबर खरीदी में गौठान समितियों की भागीदारी लगातार बढ़ते जा रही है। बीते कई महीनों से यह देखा जा रहा है कि गोबर खरीदी में भुगतान की जाने वाली राशि में से 60 से 70% राशि गौठान समितियों द्वारा स्वयं की जमा पूंजी से की जा रही है। यह गौठान समितियों की सक्रियता और उनके मेहनत का प्रतिफल है। आज गोबर विक्रेताओं को भुगतान किए जा रहे 5,60,00,000 रुपये की राशि में से 2,29,00,000 रुपये शासन की ओर से जारी किए जा रहे हैं, जबकि 3,31,00,000 रुपये का भुगतान स्वावलंबी गौठान के द्वारा किया गया। स्वावलंबी गौठानों में अब तक 70,27,00,000 रुपये की गोबर खरीदी स्वयं की राशि से की है। गौठानों में संचालित विभिन्न आजीविका गतिविधियों में 18,090 स्व सहायता समूहों से जुड़ी 2,12,336 महिला बहनों को अब तक 171,62,00,000 रुपये की आय हो चुकी है। गोधन न्याय योजना के अंतर्गत गौठानों में क्रय गोबर से 37,44,655 क्विंटल कंपोस्ट खाद का उत्पादन किया गया, जिसमें से 31,10,787 क्विंटल कंपोस्ट खाद का विक्रय हो चुका है, जिसे हमारे राज्य के किसान भाइयों ने अपने खेतों में उपयोग कर जैविक खेती को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। गठानों में अभी भी 4,83,000 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट उपलब्ध है। इस मौके पर मैं सभी किसान भाइयों से अपील करता हूं, वह खेतों में जैविक खाद का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें, ताकि अन्न की विषाक्तता और खेत की उर्वरा शक्ति को बचाया जा सके। गठानों में गोबर के साथ साथ गौमूत्र की भी भागीदारी की जा रही है। इससे जैविक कीटनाशक जीवामृत तैयार किया जा रहा है। हानिकारक महंगे रासायनिक पेस्टिसाइड के स्थान पर खेतों में इसका उपयोग हमें करना चाहिए। आज जिन गोबर विक्रेताओं, स्व सहायता समूहों और गौठान समितियों को राशि का अंतरण किया गया, मैं उन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं।
जय जोहार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।